थ्रू पता चला कि आज वर्ल्ड साइंस डे है। अभी हमारे दो बच्चों ने यहाँ कुछ बोला भी है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल हमें पावर की जरूरत है, इसलिए ये नाम दिया गया पीस एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, यूनेस्को में सबसे पहले इसकी शुरुआत 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुई थी और 2002 में ये लॉन्च हुआ था वर्ल्ड साइंस डे। बहुत इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की। हमारे बहुत सारे बच्चे साइंस स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कभी किसने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि साइंस आई कहाँ से है। हु इज द फाउंडर ऑफ साइंस, कोई बता सकता है मुझे? गैलीलियो इज द फाउंडर ऑफ साइंस, मॉडर्न साइंस, मीन टू से मॉडर्न साइंस। गैलीलियो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये साइंस जो थी इम्प्लीमेंट की थी। आप जानते होंगे गैलीलियो कौन थे, किसकी खोज की थी इन्होंने? किसकी? समझ नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले हमें ये दिन दिया था वर्ल्ड साइंस डे, जिन्होंने टेलीस्कोप, नाम सुना है ना, ये सबसे पहले इन्होंने लाया था और इसके द्वारा हमें ना जाने कितनी साइंस की जो थी अवेयरनेस थी। आप सभी को पता है जो हमारी अर्थ है ये परिक्रमा करती है, रिवॉल्व अराउंड द सन ना, लेकिन पहले क्या होता था, हमारे जो चर्चिज है ना वो इस चीज को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि सूरज घूमता है, लेकिन गैलीलियो ने ये साबित कर दिया कि धरती घूमती है अराउंड द सन। ये कुछ स्टार्स है जो इनकी उल्टे डायरेक्शन बताई गई थी, लेकिन ये गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया। इससे पहले भी 1000 years एगो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, यू नो ना, आर्यभट्ट थे, उन्होंने भी ये बात साबित की थी। लेकिन जब ये चीज इम्प्लीमेंट हुई तो ये यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट हुई, और गैलीलियो जिन्होंने ये बोला था कि अर्थ राउंड द सन। बट इसके बाद क्या हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने जो इनके अगेंस्ट थे उन्होंने इनको जेल में डाल दिया, वहां पे इनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन फिर भी ये स्टडी करते रहे हमारी इस साइंस की खोज की। स्टूडेंट